अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने चुनाव के मद्देनजर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से चुनाव के लिए पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं, जिसके चलते जो लाइसेंस धारक हथियार थे उनको जमा करवा लिया गया है और पूरे जिले में पुलिस प्रशासन की ओर से टीमें लगाकर सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के अंतर्गत उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए सीएम सिटी के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने क्या कहा। देखिए, पहले तो मैं, जैसे आप सभी जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो जो है इन्फोर्स हो गया है, वो इन्फोर्स है, तो मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि हम सभी की जिम्मेवारी बनती है, ये डेमोक्रेसी है, कि हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की रिस्पेक्ट करें, उसे फॉलो करें। उसकी जो भी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसी संबंध में पर हमारी 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिस्ट्रिक्ट करनाल में है। सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है फ्लाइंग स्क्वाड की टीम्स और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स, ये ऑलरेडी इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। जो जो कार्रवाई बनती है, जो चेकिंग है, जैसे कैश सीजर है, करीब 40 लाख का 21 तारीख के बाद आज तक कैश सीज किया गया है, उसका प्रोसीजर है। आप सभी जानते हो कि 50,000 से ज़्यादा कैश लेके जाना अलाउड नहीं है। वो सीज़ करते हैं तो कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी के वो वेरीफाई करके बाद में उसे रिलीज़ किया जाता है। ऐसे ही जो लाइसेंस्ड वेपन्स हैं उसको डिपॉजिट करने की बात है, करीब 90% वेपन हमारे जो है डिपॉजिट हो गए हैं, बाकी जो 10% बचे हैं वो भी मेरी अपील है कि जल्द से जल्द या तो आप उसे थाने में जमा करवा दें या किसी आम डीलर के पास जमा करा के उसकी रसीद हमें दे दें ताकि हम उसमें एंट्री कर लें। और अगर किसी को एग्जेम्पशन चाहिए, कोई विटनेस है किसी केस में या किसी को अपनी सुरक्षा, जो स्पेसिफिक कोई थ्रेट है उसके लिए आवश्यकता है, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन दे दे। कमेटी बनी हुई है जिसमें डी साहब, मैं, हम दोनों हैं, उसको हम एग्जामिन करके उसमें ऑर्डर जारी कर देंगे। अब क्योंकि अब समय जैसे नज़दीक आएगा तो 144 सीआरपीसी के तहत ऑर्डर जारी है, तो उसमें उसके खिलाफ केस भी दर्ज हो सकता है। और ऐसे ही पीओ बेल जंपर की हमारी ड्राइव चल रही है, उसमें अच्छी अरेस्ट जो है थाना और स्पेशल टीम बनाई गई है उसे की जा रही है। 2 मोस्ट वांटेड इस दौरान हमने अरेस्ट किए हैं। इसके साथ साथ जो नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं उसकी एग्जीक्यूशन है, वो भी केवल 6 या 7 ही पेंडिंग है, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूट हो जाएं। बाकी जो इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट नाकों की बात है, कुल 26 नाके इस दौरान जो है लगाए जाएंगे। और जो ईवीएम्स का डिस्पैच है और जो कलेक्शन है वो अब 5 अलग अलग जगह जो इसके वेन्यू हैं, तो वहाँ पर जो ट्रैफिक के अरेंजमेंट किए जाएंगे, कुछ रूट की डाइवर्जन भी रहेगी, वो आपको जब समय आएगा तो प्रेस के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से उसके बारे में भी बताएं। कितनी फोर्स लगेगी काम इसमें? जो फोर्स का हमारा जो हमने वर्कआउट किया है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल फोर्स है, हम 80% तो उसको इलेक्शन ड्यूटी में लगाएंगे। उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है वो हमने हेडक्वार्टर पे भेज दी है, वो हमारी टाइमली मिल जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्स की हमने डिमांड की है 5 कंपनी की, एक कंपनी जो हमारी इंडियन रिजर्व बटालियन है वो हमारे पास ऑलरेडी आ गई है, बाकी 4 कंपनी अलॉट हो गई हैं, वो जैसी आएंगी उनके साथ इलेक्शन ड्यूटी के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। सर, संवेदनशील और अति संवेदनशील अभी कुछ नहीं? देखिए, जो पहले संवेदनशील और अति संवेदनशील था, अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डायरेक्शंस आई हैं उसमें वल्नरेबल मैपिंग का एक प्रोविजन, प्रावधान डाला गया है, जो ऐसे हमारे वल्नरेबल के क्राइटेरिया बनाया है कि किस कारण से वो वल्नरेबल होंगे। तो हमारे ऐसे 24 पोलिंग स्टेशन हैं जो हमने चिन्हित किए हैं वल्नरेबल, और ऐसी 14 लोकेशन बनती हैं, उसके अंदर काफ़ी परफॉर्मेंस हैं डिटेल, उसमें क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा या जो प्रशासन द्वारा की जानी है वो सारा ऑलरेडी हमने काम शुरू कर दिया और चिन्हित इसको कर दिया गया है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।